थाना सिविल लाइन पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को 3 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले का खुलासा क्षेत्र अधिकारी सिविल लाइन द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार महानगर में बढ़ रही लूट, डकैती, हत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न थानों को निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में क्षेत्र अधिकारी सिविल लाइन के आदेशों पर सिविल लाइन प्रभारी नवल मारवा द्वारा गठित करके अपने क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया गया। सिविल लाइन पुलिस को उस समय बड़ी सफलता जब हाथ लगी जब रामगंगा बिहार चौकी प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम के साथ रामगंगा नदी के किनारे से अभियुक्त नासिर पुत्र छोटे नसीम पुत्र हाफिज को चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछने पर उसकी निशानदेही पर वह मॉल के पीछे झाड़ियों में 2 मोटरसाइकिल और एक जनरेटर बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये लोग पंजाब हरियाणा से अपने साथी सतवीर और जयवीर के साथ मिलकर चोरी करते थे और चोरी की मोटरसाइकिल मुरादाबाद अमरोहा में लाकर दे देते थे। इस अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा एसपी सिविल लाइन कुलदीप सिंह गुनावत द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान किया गया। दोबारा से खुलो जी सर, जो आज वाहन चोरों को लेकर जो खुलासा है आपका क्या है? थाना सिविल लाइंस ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर राज्य वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। ये वाहन चोर गिरोह जो है ये पंजाब और हरियाणा वहाँ से मोटरसाइकिल चुरा के या मुरादाबाद परिक्षेत्र में जो ज़िले हैं जैसे अमरोहा हो गया, मुरादाबाद हो गया, इन जगहों पे ये मोटरसाइकिल लेके आते थे और यहाँ से ये विभिन्न लोगों को बेचते थे। इस गिरोह के 2 लोग जो कि जिनके नाम हैं मोहम्मद नासिर पुत्र छोटे निवासी गिरजागर रोड इस्लाम नगर कादरी मस्जिद के पास थाना पागवाड़ा तथा अन्य व्यक्ति नसीम पुत्र हफीज़ अहमद निवासी ब्रह्मपुर मस्जिद के सामने थाना बिलारी, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 3 मोटरसाइकिलों की बरामदगी हुई है। एक बुलेट रॉयल एनफील्ड, एक पल्सर काले रंग की, एक स्प्लेंडर, 3 मोटरसाइकिलों की बरामदगी हुई है। इसके अतिरिक्त एक जनरेटर भी बरामद हुआ है जो इन्होंने मेरठ शामली हाईवे पे से किसी होटल में से उठाना बताया है। इनके अलावा 2 अन्य व्यक्ति इनसे पूछताछ में पता लगा है जिनके नाम है सतवीर सिंह और जयवीर सिंह, ये गजरौला जिला अमरोहा के निवासी हैं, ये भी इस गिरोह में शामिल हैं। इनमें से एक व्यक्ति जयवीर सिंह पंजाब में गिरफ्तार, एक मुकदमे में, इसी वाहन चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार होना बताया जा रहा है, जिसकी तस्दीक की जा रही है और मोटरसाइकिल कहां से आई है इसकी भी तस्दीक की जा रही है। सर, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है पिछले कुछ? इनका दोनों का पूर्व आपराधिक इतिहास है, इन पे पहले मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। ये गिरफ्त में किस तरह से आए पुलिस की गिरफ्त में? ये इन लोगों की जो हमारी डेली चेकिंग होती है रेगुलरली यहाँ पे, तो संदिग्ध मोटरसाइकिलों वगैरह की चेकिंग होती है, जिसमें ये एक जो इनकी पास चोरी की जो मोटरसाइकिल थी बुलेट बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी जिस पे ये जा रहे थे, तो इनसे उनको पकड़ा गया और पूछताछ में ये सब चीज़ें निकल के सामने आई। चोरी की बाइक यह चोरी की मोटरसाइकिल बुलेट की हमें पता लगा है कि लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये तक की कीमत इन्होंने लगाई थी बुलेट, जो कि जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 2 लाख के आसपास है, तो इस रेट पे इन्होंने बेचने की कोशिश भी की। सर, पुलिस पूछताछ में क्या इन्होंने और भी सदस्यों के नाम बताए हैं? जैसा कि मैंने बताया कि 2 अन्य लोग जिनके बारे में ये बता रहे हैं, इनमें से एक ऑलरेडी जेल में निरुद्ध है तथा दूसरे की हम तलाश कर रहे हैं।